आज की फर्स्ट अपडेट है तलहा अंजुम की तरफ से। तो तलहा अंजुम का भी शो था जहाँ पर अपना वो क्वारंटीन गाना परफॉर्म करते हैं एंड चैन के को इनडायरेक्टली रिप्लाई देते हुए बोलते हैं हम फजूल लोगों पे टाइम जाया नहीं करेंगे। तो बात करते हैं कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा आज एक स्टोरी लगाते हैं जिसमें कि घर होता है एंड उस घर के गेट पे लिखा होता है योर फादर्स हाउस एंड कृष्णा इसको शेयर करते हुए बोलते हैं आई विल सेंड यू माय एड्रेस इफ यू वांट। अब पता नहीं भाई ने यहाँ पे किसको पोक किया है, बाकी आपको क्या लगता है किसके लिए बोला गया कॉमेंट्स में बता देना। अगली अपडेट आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो आपको पता होगा किंग के साथ में जो उनका गाना आया था उसमें उन्होंने मराठी में भी वर्स करा है। तो रैपर मुरना शंकर भी लाइव आई हुई थी जहाँ पर उनसे पूछा जाता है आपको किंग की एल्बम कैसे लगी। तो वो बोलते हैं कि उस एल्बम में कोलैब है जिसकी वजह से वो एल्बम नहीं सुन रही है एंड बोलते हैं कि तुमने उस आर्टिस्ट को सर पर चढ़ा रखा है। बाकी और भी क्या बोलते हैं वो आप देख लो। Do you like album? मैंने अभी पूरी सुनी नहीं है मेनली बिकॉज उसमें एक इंसान का कोलैब है जो तुम लोग ने सर पे चढ़ा रखा है, तो मैं एल्बम पे क्लिक भी नहीं कर रही हूँ। लिटरली यू गाइस डोंट नो व्हाट इज टॉकिंग। मैं मराठी मुझे समझता वो क्या बात कर रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है। यू गाइस आर गोइंग क्रेजी अबाउट हिम। बाकी मराठी में तो सिर्फ एमसी स्टैन का ही वर्स था पूरी एल्बम में। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में बता देना। तो इस वीडियो में तो बस यार इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।